उनके साथ ही थे। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो अवैध संबंध बताए जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं थे जी। क्या की अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी 3 महीने। अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली जी। मतलब अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का। वो कह रही है तो सही ही कह रही होंगी। अरे वो तो सही ही सोच के बोल रही होंगी ना। वो माँ भी बन गई, वो उसका चरित्र भी हनन कर ली। सब लोग तो सही ही कहता है हमारे बारे में, हम ही है ना वैसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार लाइव एक्सपोज में। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। भोजपुरी इंडस्ट्रीज की वो चर्चित अभिनेत्री जो हरदम विवादों से दूर नहीं रह पाती है। अक्सर वो कभी अच्छे काम के लिए मीडिया में आती है, लेकिन उनका नाम जो है बुरे तरीके से मीडिया में घसीट दिया जाता है। फिर वैसा ही कुछ चल रहा है हाल फिलहाल में। अभिनेत्री अक्षरा सिंह जनसुरा ज्वाइन की तो लोग काफी सराहनीय कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में एक मीडिया इंटरव्यू में पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह है, उन्होंने अक्षरा सिंह के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि मानो फिर से अक्षरा सिंह समाज के नजर में बुरी और फिर से विवादों में आ गई। ऐसा क्या कह दिया ज्योति सिंह ने, तो आइए हम आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि ज्योति सिंह ने क्या कह दिया। दरअसल ये वीडियो पवन सिंह की पत्नी जो अभी उनका केस चल रहा है कोर्ट में, ज्योति सिंह का है। मीडिया वाले उनसे कुछ पूछते हैं तो ज्योति सिंह का जवाब होता है कि अक्षरा सिंह भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। भाई प्रेग्नेंट कौन करेगा, तो बात आता है कि पवन सिंह। दरअसल ज्योति सिंह का एलिगेशन ये रहता है कि जब पवन सिंह ज्योति सिंह से शादी करते हैं तो 1 महीने तक घर नहीं आते हैं। 1 महीने जब मीडिया वाला पूछता है कि 1 महीने रहते कहां है, तो फिर ज्योति सिंह का जवाब ये होता है कि अक्षरा सिंह के साथ उनके साथ ही थे। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो अवैध संबंध बताए जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं थे जी। क्या कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी 3 महीने। अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली जी। फिर से एक बार अक्षरा सिंह विवादों में घिर चुकी है। हालांकि इसके बाद अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का। वो कह रही है तो सही ही कह रही होंगी। अरे वो तो सही ही सोच के बोल रही होंगी ना। वो माँ भी बन गई, वो उसका चरित्र भी हनन कर ली। सब लोग तो सही ही कहता है हमारे बारे में, हम ही है ना वैसे। एक मीडिया इंटरव्यू के द्वारा फिर जो अक्षरा सिंह के पिताजी हैं उनके पास कुछ मीडिया वाले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो ज्योति सिंह है वो ऐसा ऐसा एलिगेशन लगा रही है, लेकिन मीडिया वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बेटी का करतूत कह लें या फिर बेटी के सवाल कह लें, तो एक बाप से पूछना और इस टाइप का सवाल कहीं से उचित नहीं है। हालांकि मीडिया वाले जाते हैं और वो पिता करे भी तो क्या करे, पिता बेबस होके कहता है कि हमारे बारे में तो लोग क्या नहीं कहते हैं, हमारे बारे में क्या लोग अच्छा कहते हैं, क्या लोग सही कहते हैं, ये तो लोग ही बताएंगे। हमें जो पता भी नहीं होती, लोगों को वो पता होती है। हालांकि अक्षरा सिंह के जो पिताजी हैं इस बात को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में कि जब अगर वो कह रही है, जो ज्योति सिंह है पवन सिंह की बीवी, वो कह रही है कि अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो हो भी सकता है, इस पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हो भी सकता है कि अगर वो कह रही है तो सही ही होगा। हालांकि उनकी जो वीडियो में बातचीत के दौरान जो हमने नोटिस किया, हमें ऐसा लग रहा था कि एक बेबस पिता से ऐसा क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं मतलब वाजिब है ही नहीं। कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई, जो लड़की किसी के अफेयर के साथ उसका नाम जुड़ा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े अभिनेता पवन सिंह के साथ उसका नाम जुड़ा और उसी के तर्ज पे लोग उसको मतलब ऐसे बोल देते हैं कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ रहती थी, अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ ज्यादा फिल्म करती थी, इसलिए लोग ऐसा बोल देते थे कि जो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में कुछ चल रहा है। हालांकि लोग ऐसा भी मानता है कि जो ज्योति सिंह से पवन सिंह का विवाद रिश्ता में जो खटपट आई, उसका कारण भी अक्षरा सिंह है। लेकिन देखा जाए तो एक तरह से अक्षरा सिंह कहीं से दोषी भी नहीं दिखती हैं, क्योंकि जब पवन सिंह का शादी हुआ उसके तुरंत बाद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से दूरी बना ली। लेकिन फिर से मीडिया में एक खबर चलने लगी है कि जो अक्षरा सिंह है पवन सिंह की, पवन सिंह मतलब अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ जब रिलेशनशिप में थी तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और एक बेबस पिता भी ये भी मतलब एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर ज्योति कह रही है
तो सही ही होगा और लोग हमारे बारे में क्या भला बुरा नहीं कहते हैं। तो अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं फिर से एक बार विवाद में आ गई हैं। हालांकि अक्षरा सिंह कभी भी विवाद से बैर नहीं करती, विवाद में ही रहती हैं और फिर से एक बार सुर्खियों में बनी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पे अक्षरा सिंह का रिएक्शन जो होता है क्या होता है, क्योंकि अभी सिर्फ ज्योति सिंह का बयान आया है और उसके बाद जो है अक्षरा सिंह के पिताजी का बयान आया है। हालांकि इस पे अक्षरा सिंह और पवन सिंह के तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अक्षरा सिंह इस पे क्या प्रतिक्रिया देती है। तब तक बने रहिए आप लाइव एक्सपोज के साथ। मैं शुभम कुमार उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।